तो मेरा कैमरा का बैटरी भी डाउन हो गया, तो भाई मैं इधर से निकल रहा हूँ, आगे जाके देखते कोई मिलता है कि नहीं। इधर बहुत कुछ हलचल मच रहा है भाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। लेकिन आपका भाई थोड़ा टेंशन में पड़ गया, क्योंकि हम वर्धमान जाने वाले थे तो फिलहाल जो ट्रेन था वो ट्रेन छोड़ के चला गया, तो फिलहाल हम इधर ही रुक गया हूँ। तो क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ट्रेन था वो लास्ट ट्रेन था, वो निकल गया है। तो हम वर्धमान जा रहे थे इसीलिए हमारा एक रिलेटिव, उसका तबीयत अच्छा नहीं है, इसीलिए हमने वर्धमान जाने के लिए सोचा। बहुत जल्दीबाजी करके हम इधर पहुंचा है। तो अभी हम जिधर है तो आप देख ही सकते हैं, ये धनियाखाली स्टेशन है। तो फिलहाल इस स्टेशन तर में कोई भी नहीं है भाई, तो बाहर बहुत ठंड है। तो आप लोग देख ही सकते हो इधर स्टेशन में कोई नहीं है, कोई नहीं है, एक बंदा, कोई एक इंसान भी नहीं है। तो हम क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात हो चुकी है, थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि हम इधर जब आए थे तो बस में आए थे, वो बस भी छूट गया। हम कैसे भी करके हमको घर पहुंचना है। तो फिलहाल मेरे एक दोस्त को फ़ोन किया कि भाई तू जल्दी आ जा, हम इधर अकेले हैं, इधर कोई नहीं है। तो डर भी लग रहा है भाई, डर किसी को भी लगता है। हम चारों तरफ घुमा के दिखा देते हैं भाई, स्टेशन में कोई नहीं है, तो अकेले हम स्टेशन में हैं। तो आप लोग बताइए अब क्या करें। तो आगे जाके तो कुछ होने वाला नहीं, आगे कोई बस गाड़ी कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमको इधर ही थोड़ा रुकना पड़ेगा। देखते हैं, दोस्त को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि भाई ठीक है तू थोड़ा रुक जा, हम तेरे उधर पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल हम इधर बैठते हैं, थोड़ा कैमरा को इधर ही रख देता हूँ। बाहर बहुत ठंड है भाई, क्या करे ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ठंड लग रहा है। अभी तो हम फिलहाल इधर से नहीं जा सकते। तो फ्रेंड हम तो उधर नहीं पहुंच पाए, लेकिन क्या करे कुछ तो करना होगा। आप लोग मने रहिए हमारे साथ। इधर इस तरह कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई, तकलीफ में पड़ गया हूँ। तो थोड़ी देर इधर बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरा दोस्त वो भी आ रहा है, लेकिन कब इधर पहुँचेगा कुछ नहीं पता। ठीक है, थोड़ा रुकते उसके बाद मिलते हैं वापस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो पीछे में एक मेल निकल रहा है, तो वो इधर रुकने वाला नहीं है। तो ट्रेन नहीं था भाई, मालगाड़ी था, वो भी निकल गया। तो भाई जितना रात हो रहा है ना उतना ठंड बढ़ रहा है। तो मेरा फ्रेंड कब आएगा भाई ये तो पता नहीं। हम मेरा दोस्त को फोन कर लेते हैं। थोड़ा रुक जाते हैं। बोल रहा हूँ कि भाई हम धनियाखाली स्टेशन में अटक गया हूँ। हम फिलहाल वर्धमान जा रहे थे तो इधर जो ट्रेन था वो छूट गया। तो भाई एक दोस्त को मैंने फोन किया था तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तू अभी धनियाखाली स्टेशन में आ सकता है मुझको लेने के लिए? हाँ
अभी तो फिलहाल नहीं आ सकता हूँ मेरे भाई, कैसे आ सकता हूँ, तो गया था बोल के नहीं गया। तो एक काम करना, तू उधर से आ जा, अपना आ जाना। अरे भाई अभी इधर ना बस मिलेगा ना कोई गाड़ी मिलेगा, हम इधर स्टेशन में अकेला खड़ा हूँ भाई। एक ठंड तो है लेकिन दूसरे बात ये है कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। भाई किसी भी हालत में इधर आ भाई, बहुत ठंड है भाई। तो फ्रेंड्स मेरे एक और दोस्त को फोन किया तो वो पहले कह दिया कि भाई हम नहीं जा सकते, लेकिन मेरा जो कंडीशन है उसको थोड़ा बताया तो वो फिलहाल मान गए। तो वो बोला कि भाई तू उधर ही रुक, हम आ रहा है, थोड़ा रुक जाते, क्या करें, हम तो कहीं भी नहीं जा सकते, इधर ही रुकना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है भाई इधर एक कोई भी मिल जाए भाई, थोड़ा दिल का तसल्ली मिले, लेकिन कोई नहीं है इधर। और ना जाने क्यों थोड़ा डर लग रहा है, क्या बताऊँ भाई, ऐसा लग रहा है कि ये आसपास थोड़ा कोई हलचल मच रहा है। देखिए स्टेशन में तो पूरा के पूरा ही लाइट है, लेकिन थोड़ा अलग फील हो रहा है भाई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ना जाने ये अकेला है इसीलिए थोड़ा डर रहा हूँ कि कोई और बात है, फिर भी डर तो लग रहा है भाई। और आप देख ही सकते हो बहुत सारे मेल है, वागन है, निकल ही जा रहा है, क्या करे भाई, थोड़ा तो रुकना ही है। तो भाई एक चीज़ में डर रहा हूँ क्योंकि एक अकेला बंदा इधर खड़ा है, तो भाई एक अकेला रहने का भी एक फील हो रहा है। तो फिलहाल मैं इधर थोड़ा रुक जाती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को बताएंगे। लेकिन भाई एक अलग सी फील हो रहा है भाई, एक अलग सी फील हो रहा है, शायद कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ अलग सा फील हो रहा है इधर। डर तो लग रहा है लेकिन क्या करें, फिलहाल इधर ही रुकना पड़ेगा, लेकिन रास्ते में जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, उधर अंधेरा भी है। तो फ्रेंड्स रात भी बहुत हो गया, अभी तक मेरा दोस्त आया नहीं, तो ना जाने कितना टाइम इधर रुकना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों इधर थोड़ा हलचल मच रहा है, थोड़ा घबराहट भी हो रही है क्योंकि एक ठंड तो बहुत है, लेकिन इधर जो कुछ भी हो रहा है तो वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो मेरा कैमरा का बैटरी भी डाउन हो गया, तो भाई मैं इधर से निकल रहा हूँ, इधर अभी रुकना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इधर से जल्दी ही निकल जाते हैं भाई। हम इधर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इधर से निकल जा रहा है, आगे जाके देखते कोई मिलता है कि नहीं। इधर बहुत कुछ हलचल मच रहा है भाई, इधर अच्छा नहीं लग रहा अभी। तो हेलो फ्रेंड्स, कल रात जो हुआ था वही हम आपको बताएंगे कि कल रात जो हुआ तो मैं थोड़ा घबरा गई, उधर एक अलग सा महसूस हो रहा था कि कोई आसपास है ऐसा,
वो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ दिखा हूँ, लेकिन थोड़ा महसूस हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा डर गई। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म का जो टिकट काउंटर होता है उसके पास हम चला गया। उधर जाके कुछ देर रुका, उसके बाद ही मेरा दोस्त उधर आ गया था। उसके बाद हम घर लौटे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या आता है, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय।